अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ मेरा फर्स्ट व्लॉग, वो है वो डे इन माय लाइफ। पूरे दिन का भी बता सकती हूँ, आधे दिन का भी बता सकती हूँ। जो मैं करती हूँ काम, वो मैं आपको से शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ सुबह में, दोपहर में जो मेरा काम होता है वो। मैं बहुत दिन से खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि मुझे आज व्लॉग बनाना है, आज व्लॉग बनाना है, आज व्लॉग बनाना है, लेकिन पता नहीं मुझसे हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा आज तो व्लॉग बनाना ही है, वो कैसा भी हो जाए वो मैं आज व्लॉग बना कर ही रहूँगी। वो अच्छा भी बन जाए तो भी चलेगा, बुरा भी बन जाए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज है फ्राइडे, फ्राइडे का दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत सारे काम होते हैं घर में, अगर थोड़े भी काम होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैंने फटाफट अपनी बेड की बेडशीट चेंज कर ली और उसको धोने के लिए डाल दी। फिर मैं फटाफट फ्रेश हो गई। मैं सारा बेड क्लीन करने के बाद ही फ्रेश होती हूँ, तो मैं फ्रेश होकर चली गई चाय पीने के लिए। फिर पहले मैंने चाय पी ली क्योंकि चाय सुबह में बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वरना बाद में सर दर्द होता है, इसीलिए मैंने चाय पी ली। चाय मैं पहले बहुत पीती थी, सुबह में पीती थी, शाम में पीती थी, तो मुझे ना वो सही नहीं लगता था क्योंकि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैंने चाय बिस्किट फटाफट खा के अपना काम शुरू कर दिया। काम ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमारा रोज़ का काम होता है किचन टेबल क्लीन करना और बर्तन जगह पर लगाना। आपने कई बार मेरे मिनी ब्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन मेरी खाला सास आई हुई है तो वो सुबह में जल्दी उठते हैं, तो उन्होंने सारा काम सुबह में ही कर लिया। वो बहुत हेल्प करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत अच्छी भी है। हम लोग को इतना आधे से ज़्यादा काम हमारा वो ही कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने जो खाली बॉटल्स थे वो धोकर उसको धो लिया। फिर मैंने सारे बॉटल्स भरकर फ्रीज़र में रख दिए, और तब तक मैंने जो बिस्तर भीगने के लिए रखा था वो उसको मैंने चालू कर दिया, क्योंकि फिर मुझे तब तक की जो किचन में काम है वो हो जाता है। तो फैज़ा ने यहाँ पे मटन लाया है, तो आज फ्राइडे है तो हमारे घर पे तो मटन बनना ज़रूरी है, तो हम लोग मटन बना रहे हैं। ऐसा नहीं हर फ्राइडे को बनता है, कभी चिकन भी बनता है, तो आज मटन बन रहा है। तो फैज़ा ने यहाँ पे मटन साफ़ करके दे रहे, वो हमेशा जब भी मटन लाते वो साफ़ करके देते, कभी नहीं करते, कभी उनको वक्त मिला तो कर देते। तो तब तक मैंने यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कि मैं आज यहाँ पे कांदे का ऑमलेट बना रही हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो हम लोग सारा काम मिलकर ही करते हैं, आधा काम मम्मी करती है, आधा काम मैं करती हूँ, कि यूजुअली हम लोग दोनों ही होते हैं घर में, तो हम लोग ही काम करते हैं, दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इससे काम का प्रेशर नहीं आता, लोड नहीं आता एक दूसरे के ऊपर, तो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज खाना बना रही है, मतलब आज मटन का मसाला अम्मी बना रहे हैं, और मैंने मटन मसाले की रेसिपी यूट्यूब के शॉर्ट्स पर शेयर की, आप लोग भी ज़रूर देखना। तो आज वो बना रहे मटन, तो फिर मैंने उसके बाद नाश्ता वगैरह फटाफट कर लिया, और जो बिस्तर हो चुका था उसको स्पिन के लिए रख कर स्पिन करने डाल दिया, क्योंकि मैंने कंफर्ट डाल के रखा था। तो वो होने के बाद मैंने जो कपड़े बचे थे वो डाल दिए धोने के लिए। स्पी
14 हो गया है, अब इसे फटाफट टेरेस पे सूखने डालते हैं। आज टेरेस पूरा ज़मीन पे कपड़े लगाए हुए थे, आज सबने कपड़े धो लिए क्या? आज फ्राइडे के दिन सबने कपड़े निकाल लिए, हम लोग कपड़े रस्सी पे ही डालते हैं, तो मैंने फटाफट ये बिस्तर डाल दिया। फिर मैं नीचे आ गई और चावल बनाने की तैयारी कर दी, क्योंकि आज बनाना था जीरा राइस और वो मैं बना रही हूँ, तो मैं वो उसकी तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ चावल धो के ले रही हूँ और भीगने रखती हूँ ताकि वो थोड़ा टाइम भीग सके। तो मैंने ये पानी साइड में इसीलिए निकाला था क्योंकि मटन धोए हुए थे तो वो मटन की जो स्मेल है उससे चली जाएगी, बर्तन को नहीं रहेगी। तो मैंने यहाँ पे जीरा राइस की तैयारी कर दी। मैंने जीरा राइस की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, जब मैंने मटन मसाला बनाया था तभी मैंने जीरा राइस बनाया था, तो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर जाके देखना। तब तक मैंने पानी बॉयल होने तक मैंने यहाँ पे पापड़ तल के ले लिए, क्योंकि हम लोग कोंकणी है और कोंकणी लोग को मटन वगैरह के साथ पापड़ लगता ही है, तो मैंने यहाँ पे फटाफट पापड़ डाल लिए। तो आंटी ने यहाँ पे चावल डाल दिया और नमक भी डाल दिया। फिर मैंने थोड़े बहुत जो बर्तन थे उसको धोकर सूखने डाल दी ताकि फटाफट हो जाए। चावल भी हो चुका था, उसको मैंने दम पे चढ़ा दिया और मैंने फिर उसके बाद किचन टेबल साफ़ करने लगी, क्योंकि खाना वगैरह सब हो चुका था तो मैंने किचन क्लीन कर दी ताकि मैसी ना लगे, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया। यहाँ पे सारा काम हो चुका है और मैं चली गई बेडरूम में, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम बैठूंगी सूर्य कहाफ सुनूंगी, क्योंकि ये बात है कि आज जुम्मा है और आपको सूर्य कहाफ सूर्य जुम्मा दरूद पढ़नी है, रोज़ पढ़ने की आदत डालना। ऐसा नहीं कि आज ही के दिन आपको इबादत करनी है, आज ही के दिन आपको पढ़ना है, नहीं, रोज़ पढ़ोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी और ये इतनी सुकूनदायक चीज़ होती है ना, आप कोई काम करते करते मत सुने, सुकून से बैठ कर सुनना, ज़्यादा वक्त नहीं लगता आपको सुनने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बर्तन थे वो लगा दिए और मैं व्लॉग शूट करना भूल गई, क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे व्लॉग शूट करना है। तो मैं नहा धोकर सीधा चली गई खाना खाने, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी कि और लेट भी हो गया था, 3 बज चुके थे, तो मैं गई फटाफट खाना वगैरह खा लिया और मैंने खाना खाने के बाद जो मुझे याद आ रही मुझे व्लॉग शूट करना है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं जो किचन टेबल है वो क्लीन कर रही हूँ, खाना खाने के बाद के बर्तन खाली करके उसके धोने के लिए रख दिए। 2 टाइम हमारे यहाँ पर मेड आती है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बर्तन वगैरह धोने की, तो वो काम बहुत आसान होता है, तो वो मैंने कर दिया। सुकून से बैठने अपने बेडरूम में बैठूंगी, अब मोबाइल में रहूंगी, थोड़ा थोड़ा लेटूंगी। ये देखिए कैसे मैं यहाँ पे सुकून से बैठ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आज का व्लॉग पूरा होता है, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये शायद मेरा फर्स्ट व्लॉग है, शायद नहीं, हाँ ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने मिनी व्लॉग बहुत बार बनाया बट ऐसे नहीं बनाया, मैंने बहुत ट्राई करने के बाद मैंने आज व्लॉग बनाया। मैं बात करने का भी सोचती हूँ लेकिन मैं ऐसा थोड़ा नहीं होता है मुझसे, तो मैंने सोचा कि आज डालते बिना बात के वॉइस ओवर करके डालूंगी मैं। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह मैं अगर अगला व्लॉग बनाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।